एक और सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझिएगा। इफ ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर आर सबसेट ऑफ अ सेट यू, ठीक है ओके, ए वन ए टू ए थ्री आर सबसेट ऑफ सेट यू कंटेनिंग 75 एलिमेंट विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। ईच सबसेट कंटेन 28 एलिमेंट, सभी में कितने एलिमेंट है 20 एलिमेंट, 28। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू, एनी टू मतलब कोई भी दो के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं 12। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी थ्री, एनी थ्री की बात करी जा रही है तो 5। एंड इंटरसेक्शन ऑफ ऑल फोर सबसेट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इसकी बात की जा रही है तो 1। द नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू नन ऑफ द फोर सबसेट, यानी इन चारों में ना हो, ये आपसे पूछा गया है। अब इस तरह के क्वेश्चंस का चार का फॉर्मूला, इस तरह की इसके सेट का मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी इस तरह की प्लेलिस्ट में डिस्कस किया कि चार के लिए फॉर्मूला यह होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी इक्वल टू एन ए प्लस, अब इसका जैसे सब सेम दिया तो समेशन भी ले सकते हैं, एन ए माइनस समेशन ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस समेशन ऑफ एन बी इंटरसेक्शन, सॉरी तीन तीन ले लो आप, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि ऑल फोर के लिए इन्होंने बोला है विथ ईच सबसेट कंटेन 28, पहले तो कितने हैं 4 और उसका लिए बोला है 28 माइनस, दो दो के कितने होंगे बेटा तो 4c2, इससे होंगे 6, क्योंकि चार एलिमेंट है इनके, दो दो की पेयरिंग करेंगे तो 6 इंटू 12 प्लस 3 3 के कितने 5 पर 4c3 होता है 4 तो 4 इंटू 5 माइनस 1 क्योंकि एक कॉमन है। अब मैं आपसे इसको बोलूं सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 112 है ना, 30 इंटू 4 120 माइनस ये हो जाएगा बेटा 72, ये कितना हो जाएगा प्लस 20 और माइनस ऑफ 1। अब आप मुझे बताइए अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं सीधे सीधे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 है ना, नहीं 40, ये हो जाएगा 40 प्लस 20 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 60 माइनस 1 59। अब 59 तो यही हो गया, कितना बोला है टोटल 75, तो 75 माइनस जब 59 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 16 एलिमेंट, तो 16 एलिमेंट होंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू द नन ऑफ फोर सबसेट, तो ये हो गया। यानी चार सेट का कॉम्प्लीमेंट का पार्ट, बाहर के पार्ट के बारे में बात की जा रही है, इज दैट क्लियर, तो करेक्ट आंसर हुआ 16। बस इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको पहले तो इंडिविजुअल डेटा क्या क्या दिया है, 1 2 3 4 का 28, 2 की पेयरिंग 12, 3 की पेयरिंग 5 और 4 की पेयरिंग 1, और 4 के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपको जैसे 2 का 3 का बनता है वैसे ही सेम 4 का भी बनता है, यानी एन ए प्लस एन बी प्लस, अब ये क्योंकि सेम दिए थे इसलिए समेशन नोटेशन मैंने यूज कर लिया, फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इनकी 6 पेयरिंग, फिर 3 का प्लस और 4 का माइनस, राइट, तो ये आ गया करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए।